हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ZRF। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले 6 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इनको ज़रूर देखिए। यूट्यूब चैनल जब भी आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस सिक्वेंस में मिल जाएंगी और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और अगर आप पहली बार आज देख रहे हैं क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में मिल गए थे तो मैंने इनको हिंदी में अपलोड कर दिया है। साथ में ही मैं इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी। तो आपको, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति ज़्यादा सचेत कौन सी आयु में दिखाई देता है। शारीरिक स्वरूप मीन्स फिजिकल इमेज। कोई भी पर्सन है वो अपनी फिजिकल इमेज के बारे में ज़्यादा सचेत, मतलब ज़्यादा अवेयर, कौन सा एज या कौन सी स्टेज में पर्सन जो है वो अपनी फिजिकल इमेज को लेके बहुत ज़्यादा सचेत रहता है। या तो क्या है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा किशोरावस्था, मतलब जो एडल्टहुड वाली एज है, जो एडल्सेंस वाली एज है, उस एज में क्या है, जो बच्चे होते हैं अपनी फिजिकल इमेज को लेके ज़्यादा अवेयर होते हैं कि मोटे तो नहीं दिख रहे हैं, पतले तो नहीं दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो ये जो फिजिकल इमेज या शारीरिक स्वरूप को लेके जो बच्चे ज़्यादा सचेत होते हैं वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्व की अवधारणा किन परिवर्तनों के आधार पर बनती है। स्व मतलब सेल्फ इमेज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेज की जो इमेज कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे किशोरावस्था जो एडल्टहुड वाला स्टेज है उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन जिन जिनसे वो अपनी, जो भी एडल्ट है वो अपनी सेल्फ इमेज को डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी सेल्फ सेल्फ इमेज कैसी होनी चाहिए। शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर, आत्म सचेतना परिवर्तनों के आधार पर, अमूर्त पहचान के आधार पर, या ये सभी। शारीरिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल इमेज उनकी कैसी है, आत्म सचेतना परिवर्तन मीन्स वो अपने बारे में उनका क्या सोच रहे हैं, अपने सेल्फ इमेज के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, अमूर्त पहचान के आधार पर मतलब बाहर से लोग उनको कैसे पहचान रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ये सभी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। वास्तविक रूप एवं आदर्श स्वरूप में किस अवस्था में अधिक परेशान करता है। एक तो वास्तविक रूप और दूसरा आदर्श रूप, मतलब रियल फॉर्म और आइडियल फॉर्म दोनों में अगर अंतर देखना देख रहे हैं कि बच्चा जो भी है वो किस रियल फॉर्म में कैसा है और आइडियल फॉर्म वो कैसा बनना चाहता है, तो इन चीज़ों का जो अंतर है या इन चीज़ों के बारे में किस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है, वो होता है किशोरावस्था में। मीन्स उस टाइम पे जो भी बच्चा है रियल फॉर्म वो कैसा है और वो आइडियल फॉर्म में कैसे बनना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं वो कौन सी एज में होता है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं अपने भाई से लंबा हूँ कौन सा संवेग बताता है। संवेग मतलब कौन सा कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है ये, तो ये है मनोवैज्ञानिक तुलना। कौन सी, मनोवैज्ञानिक है, उसको हम बोल सकते हैं साइको सोशल या मेंटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। किशोरावस्था में सबसे अधिक संकट आता है, जो एडल्टहुड वाला या एडोलसेंस वाले स्टेज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, या बोल सकते हैं कि या चैलेंजिंग स्टेज जब किशोरावस्था है वहाँ पे सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है या डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, तो वो होता है पहचान बनाने में। यहाँ पे क्या है, हमने एक एरिक एरिक्सन की जो सोशल थ्योरी पढ़ी है उसमें भी हमने पढ़ा है कि किशोरावस्था में क्या रोल, जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने रोल आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रोल क्या हैं या उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो यही चीजें हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे किशोरावस्था में सबसे चैलेंजिंग चीज क्या है, जो एडल्ट हैं वो अपनी पहचान बनाने में, उनकी आइडेंटिटी क्या है, लोग उनको कैसे पहचाने, तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। शैशवावस्था में शिशु होता है एक नए वातावरण के। शैशवावस्था मतलब जो नियोनेट होते हैं, नियोनेट आफ्टर बर्थ,
नियोनेट जो नए एनवायरनमेंट में आते हैं, वो एनवायरनमेंट उनके लिए कैसा होता है? तो वो एनवायरनमेंट उनके लिए अनुकूल होता है या उनके अकॉर्डिंग होता है। सहसावस्था मीन्स जो नियोनेट हैं, जो नए एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट उनके लिए कैसा है? अनुकूल है, मतलब फेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। विकास अग्रसर होता है। अग्रसर मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसीडिंग में होता है, तो कैसा होता है? तो डेवलपमेंट अवस्था अनुसार, मतलब एज के अकॉर्डिंग, या जो हम स्टेज है, स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट है वो आगे प्रोसीड करता रहता है। 2 साल का बच्चा है, उसमें 2 साल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगा। फिर बच्चा 3 साल का हो रहा है, 4 साल का हो रहा है। हर एज, हर एक एज फैक्टर या हर एक स्टेज के लिए डेवलपमेंटल टास्क जो है अलग अलग है। तो डेवलपमेंट जो है, विकास है, ये जो हमेशा प्रिसीडिंग होता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है अवस्था के अनुसार, मतलब एज के अनुसार। नेक्स्ट है, शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलता है? शिशु मतलब इन्फेंट, तो ये 2 वर्ष तक, 2 ईयर्स तक जो बच्चा है वो टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे? अपने पेरेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मतलब सोशल, सामाजिक हो गया, उसके बाद साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो सोशल और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट से बच्चा कब जो है वो एडजस्ट करना सीखने लगता है? तो वो बाल्यावस्था में या चाइल्डहुड की एज में, जो चाइल्डहुड वाली एज है उसमें जो बच्चा है वो सोशल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखने लगता है, वो होता है चाइल्डहुड एज में या बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस अवस्था में शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रहता है? कौन सी स्टेज है जहाँ पे बच्चे का जो अपने शरीर और मन का हम बोल सकते हैं, अपने जो उसकी फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं उस पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो वो होता है किशोरावस्था में। जब बच्चा जो भी एडल्टहुड में जब बच्चे होते हैं, तो वो उनके फीलिंग्स पे या उनके जो शरीर है, बॉडी पे उनका बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। वो उस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ, उसके फ्लो में बह जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं आता है। गुस्सा आ रहा है तो बहुत जल्दी हाइपर हो जाएंगे, नहीं गुस्सा आ रहा है, शांत है तो शांत रहेंगे। मीन्स किशोरावस्था में, एडोलसेंस वाली एज में शरीर, फीलिंग्स या इमोशंस पे बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस अवस्था में कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, उपलब्धियों आदि के साथ जीवन पथ पर पड़ने वाली परिस्थितियों से जूझने एवं समायोजन करने का अनुभव प्राप्त होता है? यहाँ पे हमें क्या है, कर्तव्य मीन्स यहाँ पे जो बच्चा है वो सीखता है क्या चीजें, उसकी ड्यूटी क्या है, उसका वर्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसकी अचीवमेंट्स क्या है। तो ये इन सब चीजों के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है, वहां से वो बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन सी एज में होता है? ये होता है प्रौढ़ावस्था एज, या हम बोल सकते हैं जो यंग एज बच्चे की, आज जब यंग एज में आ जाते हैं एडल्टहुड के बाद वाली स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो भी पर्सन है वो अपनी ड्यूटीज को जानने लगता है, अपने काम को जानने लगता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, और आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टास्क आ रहे हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वहां से कैसे एक्सपीरियंस लेना है, ये सब प्रौढ़ावस्था में सीखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है? जो भी चाइल्ड है उसको हेरिडिटरी, हेरिडिटी से जो कैरेक्टर्स मिले हैं, उसके साथ साथ उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज क्या हैं, हम बोल सकते हैं कि फिजिकल एबिलिटीज क्या क्या हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिपक्वता या मैच्योरिटी। जो बच्चा है उसको वंशानुक्रम मीन्स हेरिडिटी से जो एबिलिटीज मिली हैं उससे रिलेटेड उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, इसके डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? तो इसके डेवलपमेंट को हम कहते हैं मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विकास होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट है, पहले सामान्य चीजों में डेवलपमेंट होता है, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जैसे जो बच्चा है वो पहले पूरा हाथ उठाना सीखता है, हाथ उठाने के बाद वो एल्बो टर्न करना सीखता है, फिंगर्स चलाना सीखता है। पहले हाथ उठाना तो सिंपल था, उसके बाद अब उंगलियों पे कंट्रोल करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जो डेवलपमेंट है वो सिंपल से होके कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। विकास में प्रतिमानों की रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विकास, डेवलपमेंट, प्रतिमान मीन्स फैक्टर्स या पैटर्न। जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो कैसा होता है? वो स्थिर होता है। हर एक में डेवलपमेंटल पैटर्न सेम होता है। मीन्स अगर कोई बच्चा 2 ईयर का है तो 2 ईयर्स पे क्या डेवलपमेंटल टास्क है वो सेम है, 4 ईयर पे क्या डेवलपमेंटल टास्क है वो सेम है, 8 ईयर पे क्या डेवलपमेंटल टास्क है वो सब सेम रहते हैं। जितने भी हमारा डेवलपमेंटल पैटर्न है, जो टास्क है, वो हर एक स्टेज पे सेम रहते हैं, तो वो स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विभिन्न आयु या स्तर पर होने वाले विकास प्रतिमानों के अपने गुण होते हैं। जो डेवलपमेंट पैटर्न है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट एज पे उनके अपने अपने क्वालिटीज होती हैं, तो ये क्या है? विशिष्ट और स्वाभाविक। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हर एक स्टेज पे जो बच्चा क्वालिटीज एक्वायर कर रहा है वो विशिष्ट और स्वाभाविक दोनों होती हैं, ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास से होता है। प्रारंभिक मतलब जो प्राइमरी डेवलपमेंट है वो सेकेंडरी डेवलपमेंट से क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइमरी डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो उसके बाद में जितने भी डेवलपमेंट आएंगे वो अच्छे से होंगे। इसलिए जो प्राइमरी डेवलपमेंट है वो बाद में होने वाले डेवलपमेंट से ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट होता है, या अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष की आयु से लेके 2 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक की जो एज, या हम बोल सकते हैं स्टेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक काल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्री स्कूल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। 5 से 6 वर्ष के स्वस्थ बच्चों का वजन होता है। जो बच्चे 5 से 6 साल के बच्चे हैं और हेल्दी हैं, तो उनका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा? तो यहाँ पे हम इसको राउंड फिगर करके भी लिख सकते हैं कि 16 किलो से लेके 20 किलो के बीच में वेरी करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ये बी वाला सही है, कि अगर कोई बच्चा 5 से 6 साल का है, हेल्दी है, तो उसका वजन कितना होना चाहिए? 16 से लेके 20 किलो तक के वेरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? 6 ईयर से 12 ईयर के जो ईयर तक का जो स्टेज है, लाइफ स्टेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। शरीर के जो तंत्रिका तंत्र का ढांचा जन्म के समय ही बन जाता है, किंतु उसका क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से होता है। जो बच्चा जो है उसमें तंत्रिका तंत्र मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, SYST, जो नर्वस सिस्टम है एट अ टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट रहता है। कोई भी देखो, आप बच्चे को देखो, उसमें सारे सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, लेकिन एट अ टाइम ऑफ बर्थ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, बट उसका फंक्शनल डेवलपमेंट, जो उसका फंक्शन है, वो प्रॉपर या अच्छे तरीके से कब काम करने लगता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस प्रॉपरली अच्छे तरीके से किस एज से काम करने लगते हैं, या किस एज तक वो प्रॉपर अच्छे से सिस्टम डेवलप हो जाता है? तो वो है 4 वर्ष की आयु तक। कोई भी बच्चा है उसमें कोई मतलब जो हर एक में एट अ टाइम ऑफ बर्थ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। एट अ टाइम ऑफ बर्थ हमारे जितने भी सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ क्या है, प्रॉपर सिस्टम बन जाते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट या उनका फंक्शन
तुरंत से स्टार्ट नहीं हो जाता है, उनका फंक्शन एज के साथ, उनका डेवलपमेंट एज के साथ बढ़ता रहता है, और एक सर्टेन एज पे आने के बाद उनमें प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और वो प्रॉपर डेवलप हो चुके होते हैं। तो यही नर्वस सिस्टम के बारे में क्या है, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तब उसका जो नर्वस सिस्टम है प्रॉपर फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।